कानपुर हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी को एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। कानपुर हिंसा पर उत्तर प्रदेश के एडीजी का बड़ा बयान सामने आया है। एडीजी ने कहा है कि हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण गिराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कानपुर हिंसा में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनमें 36 नामजद आरोपी बनाए गए हैं। इंडियन प्राइम न्यूज के पास एफआईआर की कॉपी है। इसमें पहला नाम हयात जफर हाशमी का है। कानपुर में कल हुई हिंसा को लेकर सूफी खानका एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर हिंसा की जांच की मांग की है। चिट्ठी में लिखा गया है, हिंसा का तरीका पीएफआई के पैटर्न से मिलता है, इसलिए कानपुर हिंसा की उच्च स्तरीय जाँच हो। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कानपुर के बेकरगंज इलाके में 2 गुटों के बीच शुक्रवार को हुई हिंसक पथराव की घटना को पुलिस एवं खुफिया तंत्र की विफलता बताया है। मायावती ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, माननीय राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री जी के यूपी दौरे के दौरान ही कानपुर में दंगा व हिंसा भड़कना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व चिंताजनक तथा पुलिस खुफिया तंत्र की भी विफलता का घोटा। सरकार को समझना होगा कि शांति व्यवस्था के अभाव में प्रदेश में निवेश व यहाँ का विकास कैसे संभव हो। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, सरकार इस घटना की धर्म, जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्वतंत्र व निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करें, ताकि ऐसी घटना आगे न हो। साथ ही लोगों से शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तेजक भाषणों आदि से बचने की भी अपील की। गौरतलब है कि कानपुर देहात क्षेत्र में कल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद थे। उसी समय कानपुर में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विपक्ष इस घटना को सरकारी तंत्र की विफलता बताते हुए इसे प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था का सबूत बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।